दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना के मामले आने के बाद दिल्ली वासियों में भी दिखी चिंता की लकीरें। दिल्ली के स्कूलों में कोरोना के मद्देनजर बरती जा रही है विशेष सावधानियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल परिसर में दी जा रही है क्लास। स्कूल प्रशासन पहले से दिख रहा है सतर्क। देश भर में भले ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पाबंदियों में छूट दे दी गई हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। जी हां, ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ जगहों पर कोरोना के केस ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में नोएडा और गाजियाबाद में स्कूली छात्र और शिक्षक के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई है। इस खबर ने शासन से लेकर प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। वहीं इस खबर के बाद से दिल्ली वासियों में चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली के तमाम स्कूलों में एहतियात के तौर पर कोरोना के मद्देनजर विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 2.5% पॉजिटिव दर बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली के स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल प्रशासन और सतर्क हो गया है। इसी को लेकर जब हम दिल्ली के स्कूल में पहुंचे तो काफी हद तक ऐसा नजारा देखने को भी मिला। जय भगवान यादव, चेयरमैन इंद्रप्रस्थ कॉन्वेंट स्कूल बेगमपुर। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद में कुछ बच्चे भी उसमें संक्रमित पाए गए हैं, तो ऐसे में आपके स्कूल में किस तरह की सावधानियाँ बरती जा रही है स्कूल में? हम तो शुरू से ही कोरोना था तब भी, उसके बाद भी लगातार जैसे बच्चे हमारे स्कूल में एंट्री करता है तो सैनिटाइज करते हैं, हमारा गार्ड होता है, और उसके बाद क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग है या प्रेयर में सोशल डिस्टेंसिंग है, या जैसे बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको समझाया जाता है। रोज़ाना प्रेयर में बोला जाता है कि आप हैंड वॉश करेंगे, एक दूसरे की चीज़ शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल सट कर खड़े नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे, और हाथ जो है नाक पे मुंह पर नहीं लगाएंगे बगैर धोए। इस तरह गाइडलाइंस हम डेली प्रेयर में भी देते हैं, और ये पूरा प्रयास रहता है कि हम टेम्परेचर भी देखते हैं बच्चों का सुबह। अगर मैं बात करूँ सोशल डिस्टेंसिंग और स्टडी के समय में, वो किस तरह से बढ़ती जाती है? उसमें ये है कि जो कुछ बच्चे जैसे अभी स्टार्टिंग है तो कुछ बच्चों की संख्या भी कम भी आ रही है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है ना थोड़ा सा वीकर सेक्शन एरिया है, तो बुक्स वगैरह नहीं लिए किसी ने, तो वैसे ही कुछ बच्चे कम ही आ रहे हैं। और कुछ हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास स्पेयर रूम है उसमें अगर जिस क्लास में बच्चे ज़्यादा है तो आफ करके हम काम चला रहे हैं। दिल्ली के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना गाइडलाइन को लेकर सभी विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। स्कूल में मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसी तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष तौर पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक भी हर नियमों का खास ख्याल रख रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के नए मामले आने के बाद वह और भी सतर्क हो गए हैं। इस मामले पर बात करते हुए स्कूल प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल प्रशासन हर स्थिति के लिए तैयार है ताकि समय रहते इस आपदा पर नियंत्रण रखा जा सके। नमस्कार, मैं नितिशा यादव, प्रिंसिपल इंद्रप्रस्थ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैम, जिस तरीके से दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में कुछ केसेस आए हैं कोरोना के विद्यार्थियों के लिए, तो अगर मैं बात करूँ उसको लेकर के यहाँ स्कूलों में किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? देखिए, कोरोना जैसे कि बहुत ही घातक रहा है, तो हमने अपने बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर रखी है। बहुत ही ध्यान, बहुत ही कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस घातक बीमारी से बचे रहें। इसके लिए हम जैसे ही बच्चे की एंट्री होती है अंदर हमारे स्कूल में, विद्यालय प्रांगण में जैसे ही बच्चा अंदर आता है तो पहले उसका टेम्परेचर मापा जाता है, उसके बाद सैनिटाइज़र मशीन पर बच्चा हैंड वॉश करता है, फिर बच्चा आगे जब क्लासरूम में पहुंचता है तो क्लासरूम को रोज़ सैनिटाइज किया जाता है। और बच्चों को ये डायरेक्शंस हैं, बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को ये डायरेक्शंस है कि आप बच्चे को दो मास्क लेकर भेजें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कई बार ये होता है कि एक मास्क गिरा दिया या कहीं गिर गया या टूट गया या कुछ भी हो जाता है, तो दो मास्क बच्चे लेकर भेजे, एक बच्चे छोटा हैंड सैनिटाइज़र लेकर आए, जिससे कि बच्चा हर पीरियड में दो बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करे, खाने से पहले सैनिटाइज़ करे, खाने के बाद सैनिटाइज़ करे। और कोशिश ये की गई है कि बच्चे अपनी कक्षा में भी एक दूसरे से थोड़ा दूर
बैठे, थोड़ा संपर्क में ना आए। और एक अलग से डायरेक्शन बच्चों को ये दी गई है कि जो बच्चे खाना घर से ला रहे हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है कि ये इसका कारण हो सकता है, कोरोना बढ़ने का कारण हो सकता है खाने का शेयर होना। तो ये हम बच्चों की कोशिश हमारी पूरी है कि हम अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा कर रखें। मेरा नाम बलशीत है, मैं सेकेंड डी को पढ़ाती हूँ और हमारे स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल को लेके सारी चीज़ें फॉलो करी जाती है। बार बार बच्चों को हैंड वॉश के लिए भेजा जाता है, लंच से पहले बच्चे सैनिटाइज करते हैं और पूरा दिन मास्क वेयर करते हैं क्लास में। प्रॉपर हम कोरोना को देखते हुए सारी चीज़ें फॉलो करते हैं और एक डेस्क पे एक बच्चे को बिठाया जाता है, नेक्स्ट डेस्क खाली छोड़ा जाता है। अगर हम बात करें जैसे बच्चा कोई बाहर जा रहा है बुक्स को लेकर के, तो किस तरीके और सावधानी बरती जा रही है? जब बच्चा क्लास से बाहर जाता है तो वो अपनी बुक्स, कोई भी उससे चीज़ उससे रिलेटेड है, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, हम क्लास से बाहर नहीं लेके जाने देते। एक बच्चे का सामान दूसरा बच्चा नहीं शेयर करता, एक बच्चा अपना सामान यूज़ करता है और वो बैग में रख दिया जाता है। बहरहाल दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल में कोरोना के नए मामले आने के बाद दिल्ली वासियों से भी कुछ हद तक चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के स्कूलों में भी पहले से ही जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर कोई खास तैयारियां देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन स्कूल में जरूर छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए स्कूल प्रशासन पहले से ही सतर्क है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में कोरोना के प्रति प्रशासनिक स्तर पर समय रहते तैयारियां की जाए। लिहाजा हमारी भी सबसे अपील है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।